अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिल्क शेक की रेसिपी, जिसके अंदर मैं अंगूर डालूंगी और साथ में मैं बनानास डालूंगी। मैंने बनानास के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था जैसे मैं इनको फ्रीज कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इनको ओवन में रखा था, तो जिसकी वजह से थोड़े से ये नरम हो गए हैं। ओवन में रखने से ये अपनी असली हालत में आ जाते हैं। और इसके अंदर मैं दूध डालूंगी और चीनी डालूंगी। जो ग्रेप्स हैं, ये वाला मिल्क शेक बहुत ही पावरफुल, बड़ा ही अच्छा है। इसके पीने से फेस के सारे दाग धब्बे दाने दूर हो जाते हैं और फैट रिड्यूस भी है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये वाला मिल्क शेक यूज करने से इंसान यंग और खूबसूरत रहता है, फेस की छाइयां भी दूर हो जाती हैं। इसके अंदर कोई और मिल्क शेक जब पी लेते हैं तो उससे फैट जो है वो बढ़ता है, इंसान मोटा ज्यादा होता है उससे। इसके जो अंदर ये जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स की वजह से जो फैट है वो रिड्यूस होता है। और स्पेशली वो वाले ग्रेप्स जो खट्टे होते हैं, बच्चे घर में खाते नहीं, वो इसीलिए मिल्क शेक के अंदर यूज कर लिए जाते हैं। और आपको पता है ग्रेप्स खाने से चेहरे पे रौनक आती है, खूबसूरती आती है, खून बढ़ता है, जिगर ठीक रहता है, मैदा ठीक रहता है। हाँ जी, आपको पता है ना, जो ग्रेप्स हैं वो खून पैदा करते हैं। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं स्पेशली, उनके लिए ये बड़ा ज्यादा पावरफुल है। वो मिट्टी खाना छोड़ देते हैं, उनके अंदर जो है कैल्शियम की कमी होती है, तो ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। बच्चे बड़े और बूढ़ों के लिए, सबके लिए बड़ा अच्छा है। और स्पेशली 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 ऐसी लेडीज जो 30 से 35 साल की हो गई हैं, उनके लिए बड़ा स्पेशल है कि ये मिल्क शेक पीने से एक तो फैट रिड्यूस होता है, दूसरा वो एक्टिव रहती हैं, और चेहरे की जो झुर्रियां हैं, चेहरे के जो ऊपर छाइयां हैं या कुछ भी ऐसा जो एज की वजह से चेहरे जो फेस के अंदर रौनक नहीं रहती, उससे इसके पीने से रौनक आ जाती है। हम मेडिसिन वगैरह कोई टैबलेट्स जो क्रीमें यूज कर करके जिनके चेहरे खराब हो जाते हैं, वो ये वाली जो है मिल्क शेक लाजमी पिए बना के। और इसका रिजल्ट आप देखिएगा कि 8 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जी, तो शेक रेडी है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और 8-10 दिन बाद इसका रिजल्ट भी मुझे बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।